हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का BAA क्लासेस में। आज हम लोग सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है उसके कुछ इम्पोर्टेंस रूल्स पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले कुछ रूल्स पर चर्चा की है, आइए हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 6, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, बम्बू बम्बूज, कैमियो कैमियोज, कक्कू कक्कूज, क्यूरियो क्यूरियोस, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज, रेडियो रेडियोज, स्टेरियो स्टेरियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, होलियो होलियोज, वीडियो वीडियोज, रेडियो रेडियोज, स्कैनरियो स्कैनरियोज। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ड में आखिरी वर्ड ओ आया है और ओ से पहले प्रत्येक वर्ड में वावेल आया है। जैसे बम्बूज में देख पाए तो हम देख रहे हैं कि ओ के पहले वावेल आ रहा है, उसी तरह उसके आगे वाले में देखें तो ओ के पहले ई आ रहा है, ई भी एक वावेल है। इसी तरह प्रत्येक वर्ड में ओ के पहले वावेल आ रहा है, इसलिए हम इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बना रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं रूल नंबर 7, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो एफ को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, काल्फ काल्व्स, एल्फ एल्व्स, वाइफ वाइफ्स, थीफ थीफ्स, हाफ हाफ्स, लोप लोप्स, सेल्फ सेल्व्स, लाइफ लाइफ, नाइफ नाइफ्स, लीप लीप, सीप सीप्स, सेल्फ सेल्व्स, ओल्फ ओल्व्स। यहाँ पर प्रत्येक वर्ड में हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट का वर्ड एफ या तो एफ ई पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम एफ या एफ ई की जगह वी ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना रहे हैं, जैसा कि आप प्रत्येक वर्ड में देख रहे हैं। हम उसके आगे रूल नंबर 8 को देखते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में एफ डबल एफ एफ ई रहता है लेकिन फिर भी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, चीप का चीप्स, बिलीव का बिलीव्स, क्लिप का क्लिप्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, मिसचीफ का मिसचीफ्स, पफ का पफ्स, टक का हूप्स या तो हूप्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स या स्कार्फ्स, हार्ब का हार्ब्स, स्टाफ का स्टाफ्स या स्टाफ्स, दोनों हो सकता है। ताकि हम लोग देख पा रहे हैं प्रत्येक वर्ड में लास्ट शब्द एफ या तो एफ ई या तो डबल एफ पर ख़त्म हो रहा है, फिर भी हम उसमें वी ई एस न जोड़कर एस ई जोड़ रहे हैं। अगला रूल नंबर 9 को देखते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वाबिल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, डरमाउस डरमाइस, फूट का फीट, गूज का गीज, लाउस का लाइस, मैन का मेन, माउस का माइस, तूत का तीत, ओमन का ओमेन। फिर हम उसके आगे रूल नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन या तो आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेंस, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदरन या तो ब्रदर्स। ब्रदरन तब होता है जब बात सगे भाई की ना हो रही हो, तब ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेंस होता है। जब बात सगे भाई की हो रही हो तब ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है। रूल नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं। जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब में या तो लिविंग वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। कमांडर इन चीफ का प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। यहाँ पर कमांडर जो शब्द है वो लिविंग वर्ड है, इसलिए हम कमांडर में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ लिखा जा रहा है। अगर हम एस का प्रयोग चीफ में करेंगे तब गलत होगा, क्योंकि चीफ नॉन लिविंग है। इसी तरह हम उसके आगे एग्जांपल देखते हैं। पासर बाई का प्लूरल पासर्स बाई, सन इन लॉ का प्लूरल सन्स इन लॉ, स्टेप सन का प्लूरल स्टेप सन्स, लुकर ऑन का प्लूरल लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन का प्लूरल हैंगर्स ऑन, मैड सर्वेंट का प्लूरल मैड सर्वेंट्स, कोट ऑफ मेल का प्लूरल कोट्स ऑफ मेल, कोट मैरिटल का प्लूरल कोट मैरिटल, नाइट इरेंट का प्लूरल नाइट्स इरेंट, मेजर जनरल का प्लूरल मेजर जनरल्स, स्पेंड थ्रिफ्ट का प्लूरल स्पेंड थ्रिफ्ट्स, पिक पॉकेट का प्लूरल पिक पॉकेट्स, पिक पर्स का प्लूरल पिक पर्सेस। फिर उसके आगे रूल नंबर 12, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड या लिविंग वर्ड्स के मिडिल वाबल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फूटमैन का फूटमैन, मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार, वाशरमैन का वाशरमैन, पोस्टमैन का पोस्टमैन, वाशरवुमेन का वाशरवुमेन, बेगर मैन का बेगर मैन। जैसा कि आप प्रत्येक वर्ड में देख पा रहे हैं कि जो लिविंग वर्ड्स हैं या फिर मेन वर्ड हैं उनके मिडिल वाबल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जा रहा है। रूल नंबर 13, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके दोनों पदों को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट का वोमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस, नाइट टेम्पलर का नाइट्स टेम्पलर्स। आखिरी शब्द के बाद एस जोड़ दिया गया है। फिर उसके आगे रूल नंबर 14, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉरगेट मी नॉट का प्लूरल फॉरगेट मी नॉट्स, गो बिटवीन का प्लूरल गो बिटवीन्स, पिक मी अप का प्लूरल पिक मी अप्स, टच मी नॉट प्लांट का प्लूरल टच मी नॉट प्लांट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ड के आखिरी वर्ड में एस लग जा रहा है। फिर उसके आगे रूल नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। टेल टर्म का मतलब लास्ट वाले वर्ड में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स, हैंडफुल का प्लूरल हैंडफुल्स, माउथफुल का प्लूरल माउथफुल्स, कैपफुल का प्लूरल कैपफुल्स, ग्लासफुल का प्लूरल ग्लासफुल्स। फिर उसके आगे रूल नंबर 16, कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स का प्लूरल
जानकारी के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि यह रूल पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रूल से ज़्यादातर एरर्स आती हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एजेंडम का एजेंडा, इरेटम का इरेटा, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी, एक्सिस का एक्सेस, एनालिसिस का एनालिसिस, बैकिलस का बकेली, बैंडिट का बैंडिटी, या हम बैंडिट्स भी बोल सकते हैं, बैक्टेरियम का बैक्टेरिया, बेसिस का बेसिस, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, क्राइसिस का क्राइसिस, डेटम का डेटा, डिक्टम का डिक्टा, फार्मूला का फार्मूले या फार्मूलाज, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, सेनाटोरियम का सेनाटोरिया, फेनोमिनन का फेनोमेना, थेसिस का थेसिस, मीडियम का मीडिया, रेडियस का राडी, ओएसिस का ओएसिस, सीरीज का सीरीज ही होता है, स्पीसीज का स्पीसीज ही होता है, एपार्टस का एपार्टस ही होता है, टर्मिनस का टर्मिनी, जीनियस का गिनी या तो जीनेसिस, अपेंडिक्स का अपेंडिक्स, मैडम का मिसडेम्स, ब्यूरो का ब्यूरेक्स, कॉरिजेंडम का कॉरिजेंडा, मिनिमम का मिनिमा, स्ट्राटम का स्ट्राटा, मिलेनियम का मिलेनिया, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स, फोकस का फोकी या फोकसेस, सिलेबस का सिलेबी या सिलेबसेस, मिस्टर का मेसर, मिसेस का मेसडेम्स, मिस्टर वाइट का मेसर वाइट, ये तो मिस्टर वाइट्स। फिर हम उसके आगे रूल नंबर 18 देखते हैं। रूल नंबर 18 क्या कहता है? लेटर्स वर्ब डिजिट्स का प्यूरल फॉर्म अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर या जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, एस है, यहाँ पर एस का प्यूरल बनाएंगे तब उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ देंगे, तो इसलिए एस का एस में अपॉस्ट्रॉफी एस, बी का अपॉस्ट्रॉफी एस, बिल में बिल का अपॉस्ट्रॉफी एस, सिक्स में सिक्स का अपॉस्ट्रॉफी एस, BA में BA का अपॉस्ट्रॉफी एस, M में M का अपॉस्ट्रॉफी एस, सेल का सेल में अपॉस्ट्रॉफी एस, फाइव का फाइव में अपॉस्ट्रॉफी एस, MA का MA में अपॉस्ट्रॉफी एस, MBA का MBA में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। उसके आगे रूल नंबर 20, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्यूरल नाउन के रूप में होता है तथा इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्यूरल होती है। जैसे कुछ एग्जांपल, द पुअर, द रिच, द सिक, द ब्लाइंड। अगर पुअर, रिच, सिक के पहले द ना आया होता तब ये सिंगुलर ही माना जाता, लेकिन अगर द लग जा रहा है तब इसे हम प्यूरल मानेंगे और हम इसके साथ प्यूरल वर्ब भी प्रयोग करेंगे। फिर उसके आगे हम रूल नंबर 21 देखते हैं। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, विलेज आफ्टर विलेज सही है, लेकिन यहीं पर अगर होता विलेजेस आफ्टर विलेजेस तब ये गलत है। इसी तरह आगे, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपान रो। फिर उसके आगे रूल नंबर 22, डजन, ग्रास, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, यूनिट्स का प्रयोग समानता सिंगुलर और प्यूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं,
आई हैव बाउट 2 dozen पेंसिल सही है, पर इसी जगह अगर होता आई हैव बाउट 2 dozen पेंसिल तब गलत है, क्योंकि डजन के पहले 2 आ रहा है, इसलिए ये सही है। लेकिन यहाँ पर डजन्स लिखा है और आगे 2 भी आ रहा है, इसलिए गलत होगा। अगर डजन स्कोर ग्रास 100,000,000,000,000,000 मिलियन के पहले कोई डिजिट आ जाए, काउंटेबल डिजिट आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 समथिंग, तब डजन्स में एस नहीं लगता। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे नोट पॉइंट फर्स्ट, डजन ग्रॉस, फिर इसी में हम नोट पॉइंट देख लेते हैं। डजन ग्रॉस ETC यूनिट के पहले A123 ETC का प्रयोग न होने पर यूनिट का प्यूरल हो जाता है, तथा इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं 1000 ऑफ रुपीज लिखा हुआ है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में डजन्स ऑफ पेंसिल्स लिखा है। अगर 1000 के पहले कोई डिजिट आ जा रही है तब 1000 में एस नहीं लगता, अगर 1000 के पहले कोई डिजिट नहीं आ रही है तब 1000s में एस लग कर आता है। फिर उसके आगे नोट पॉइंट सेकंड, डजन ग्रॉस ETC यूनिट के पहले A123 ETC का प्रयोग हो, तथा यूनिट्स के बाद प्रयुक्त प्यूरल नाउन के पहले द, दीज, दोज, माई, अवर, हिज, ETC का प्रयोग हो, तो यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। 2 dozen ऑफ द पेंस आर ब्रोकन, ये गलत है। इसका सही क्या होगा? 2 dozen ऑफ द पेंस आर ब्रोकन, ये सही है। आप देख रहे हैं dozens के पहले 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डजन्स ना हो करके डजन होगा, क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट आ जा रही है। अगर डिजिट आती है तब एस नहीं लगता है। और फिर हम आगे देख रहे हैं कि पेन के पहले दा आ रहा है, इसलिए रूल के मुताबिक दा के पहले ऑफ आएगा। फिर हम उसके आगे रूल नंबर 23 देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, और इनके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। ऐसे कुछ शब्द हैं, इन्हें देख लेते हैं। मिस्चीफ, एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, एविडेंस, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, कॉफी, मैरेज, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, म्यूजिक, मनी, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, स्कैनरी, स्टेशनरी, लिबर्टी, डफरी, ETC। नोट पॉइंट, ऊपर दिए गए नाउन का प्यूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, ना ही इनके पहले आर्टिकल an का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। फर्नीचर सही है, लेकिन इसका फर्नीचर्स गलत होगा, अफर्नीचर ये भी गलत होगा। पॉवर्टी सही है, पॉवर्टीज गलत होगा, अपॉवर्टीज ये भी गलत होगा। नोट पॉइंट सेकेंड, ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर सेंस के जरूरत के मुताबिक अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, अ टाइप्स ऑफ, अ सीट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सही है,
अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है। इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहेगा। अगर इसका सिंगुलर बनाना है तो इसके पहले आप पीस ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशंस में एस लगाना चाहिए। इंफॉर्मेशंस में एस लगा रहे हैं तब वो पूरी तरीके से गलत होगा। लेकिन इनका प्लूरल सेंस में प्रयोग होने पर हम इंफॉर्मेशंस में एस नहीं लगाते, बल्कि पीसेस में एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस ये गलत है। फिर हम उसके आगे रूल नंबर 24 देखते हैं। कुछ ऐसे नाउंस जो दिखते प्यूरल हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। द न्यूज इज नॉट फॉल्स ये सही है। अ न्यूज इज नॉट फॉल्स ये गलत है, क्योंकि न्यूज के पहले आर्टिकल लग कर आ रहा है। द न्यूजेस आर नॉट फॉल्स ये भी गलत है, क्योंकि न्यूजेस में ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना रहे हैं, जो कि गलत होता है। इसी में हम आगे नोट पॉइंट सेकेंड पर बात करें। समन्स, जिसका मतलब न्यायालय में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र, के पहले आ का प्रयोग होता है तथा इसका प्लूरल ई एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, आ समन्स वाज इश्यूड ये सही है, फोर समन्सेस वर इश्यूड, यहाँ पर समन्स के पहले आ रहा है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। पर सेकंड वाले में समन्सेस हो रहा है, क्योंकि इसके पहले फोर लिखा है और फोर यहाँ पर ये बता रहा है कि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है। आइए इसी के आगे हम नोट पॉइंट थर्ड देखते हैं। ICS इंडिंग नाउंस के पहले द और पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, अवर, डॉट डॉट etc का प्रयोग होने पर इनका अर्थ बदल जाता है तथा इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होने लगता है तथा इनके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे एग्जाम्पल की माध्यम से देखें, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, यहाँ पर माई के पहले मैथमेटिक्स के पहले माई आया है, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और जो वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब आर लगा रहे हैं। अगला एग्जांपल, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स से पहले द आ रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आनी चाहिए थी वो भी प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ पर जो सेकेंड एग्जांपल लिखा हुआ है, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगी। नोट पॉइंट फोर देख लेते हैं। बीमारी के नाम मिसल्स, रैबिज, हम बीमारी के नाम देख लेते हैं, मिसल्स, रैबिज, गारमेंट मिसल्स, रिकेट्स। खेलों के नाम देख लेते हैं, बाउल्स, ड्रॉट, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे एग्जांपल की माध्यम से समझते हैं, आ मम्स गलत है, क्योंकि मम्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मम्सेस ये भी गलत है, क्योंकि मम्स का प्लूरल मम्सेस नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है।
द मम्स ये भी गलत है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लग रहा है। मम्स इज अ डेंजरस डिसीज ये सही है। मम्स के बाद जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेके खेलों के नाम के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अ बाउल्स गलत है, द बाउल्स भी गलत है, बाउल्सेस भी गलत होता है। इसका सही होगा बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय ओमेन। बिलियार्ड एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब भी आ रही है वो भी सिंगुलर आ रही है इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। सीयर्स ग्लासेस स्पेक्टिकल्स बिलोंगिंग्स ब्रेकेबल्स डूइंग्स ग्रीन्स न्यूपटियल्स द पिक्चर्स प्रोसीड्स रेमेंस सराउंडिंग्स वेजिटेबल्स द हिमालयाज ब्रीफ्स एनाल्स पैंट्स ट्राउजर्स अंडर पैंट्स ब्लोज डिवाइडर्स सीजर्स टंग्स गूगल्स आउस्पिसेस वोवेल्स ड्यूज अर्निंग्स इंटेस्टाइंस आउटस्किट्स रिचेस रुइंस टिडिंग्स वैल्यूएबल्स द अल्प्स फोरसेप्स वर्क रिगार्ड्स एसेस एसेट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस सेविंग्स पार्टिकुलर्स एमेंड्स प्रोसीड्स वेजेस लॉन्गिंग्स ऑर्ड्स एंड कप्स फायरवर्क्स गिलोज। इन सभी के आखिरी में एस आ रहा है और इनका प्यूरल नहीं बनाया जा सकता, ये पहले से ही प्यूरल होते हैं और हमेशा प्यूरल वर्ब ही खाते हैं या लेते हैं। इसी रूल्स के अंतर्गत हम नोट्स पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इनका सिंगुलर अ पेयर ऑफ तथा प्यूरल पेयर्स ऑफ करके बनाया जाता है। अगर अ पेयर ऑफ करके बना रहे हैं तब सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर पेयर्स ऑफ करके बना रहे हैं तब प्यूरल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल अ पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड सही है क्योंकि यहाँ पर अपीयर आ रहा है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर हम इसी का प्यूरल बनाएं तब क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। यहाँ पर पेयर्स जो है प्यूरल नाउन को दर्शा रहा है इसलिए इसके साथ प्यूरल वर्ब आएगी। फिर हम इसके आगे रूल नंबर 26 को देखते हैं। कैटल सीप डियर जेंट्री पाल्ट्री फ्लॉक प्यूपल पुलिस कैबलरी इन्फेंट्री प्लीजेंट्री बर्मिन क्लैरगी, इनका प्रयोग प्यूरल नाउन के रूप में होता है। इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इसमें ई एस एस या आई एस जोड़कर प्यूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल आ कैटल गलत है, आ सीप गलत है, कैटल्स ए भी गलत है, सीप ए भी गलत है। एग्जाम्पल फर्स्ट ही हैज सीन अ डियर इन हिज फॉरेस्ट, यहाँ पर अ डियर आया है इसलिए जो वर्ब लगेगी हैज बीन लगेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देयर आर 10 डियर्स इन दिस जू, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर डियर्स लिख रहा है और डियर्स प्यूरल नहीं होता है, इसका सिंगुलर प्यूरल एक होता है इसलिए यहाँ पर जो डियर्स आ रहा है लिख के ये गलत है। अगर हम इसको डियर कर दें तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा जैसे अगला लिखा ही है देयर आर 10 डियर्स इन द जू।
फिर हम उसके आगे रूल नंबर 27 देखते हैं, कुछ नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल एक समान होता है, जैसे स्वाइन, डियर, शीप, सलमन, क्रू, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, प्रेसिस, फिश, ऑफ स्प्रिंग, स्पीसीज, सीरीज, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, अर्ब्स, ब्रेक्स। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मेल डियर्स हैव हॉर्न्स व्हिच आर कॉल्ड एंटलर्स। यहाँ पर डियर्स लिखा है जो कि नहीं होगा, क्योंकि डियर्स इसका प्लूरल नहीं होता है, बल्कि डियर का प्लूरल बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बनाते हैं। जैसे अगर डियर हैच कर दें तो सिंगुलर को बताएगा, डियर हैप कर दें तो प्लूरल को बताएगा। उसी तरीके से आगे शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर एयर्ड इन हिल्स। यहाँ पर जो शीप्स है, शीप्स गलत होता है, इसका प्लूरल शीप्स नहीं होता है, बल्कि शीप आर करके इसका प्लूरल बनाते हैं। इसी तरीके से आगे द स्वाइन्स आर रोटिंग डाउन इन द मिडी वाटर। यहाँ पर स्वाइन्स का प्लूरल स्वाइन्स नहीं होता है, बल्कि स्वाइन ही रहता है। अगर हम इसका प्लूरल बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इसकी बजाय आर लगा करके बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फिश के ऊपर स्टार बनाया है। नॉर्मली देखा जाए तो फिश का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, लेकिन अगर जब बात अलग अलग वैरायटी की मछली की बात आती है तब फिश का प्लूरल फिशेस लिखा जाता है। फिर उसके आगे रूल नंबर 28, ज्यूरी, चोर, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, ईटीसी का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर इन्हें सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। जैसे एग्जांपल, द ज्यूरी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यहाँ पर जो ज्यूरी मेंबर की ओपिनियंस हैं वो मिलकर एक के बारे में बता रही हैं, इसलिए यहाँ पर हैज लगा है। लेकिन जब नाउंस का प्रयोग नाउंस ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होने लगे, या बोलें कि प्रत्येक सदस्य के बारे में बताए, तब प्लूरल माना जाता है। जैसे द ज्यूरी हैज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। यहाँ पर जो ज्यूरी के प्रत्येक सदस्य हैं उनके अलग अलग ओपिनियन की बात हो रही है। जब बात अलग अलग ओपिनियंस की आती है तब जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है, लेकिन जब अलग अलग ओपिनियंस की बात ना आए तब वर्ब सिंगुलर लगती है। इसी के आगे आज का आखिरी रूल 29 है, बेस्ड सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन पर। जैसे बिग ब्लेंडर गलत होता है, बल्कि ब्लेंडर सही होता है, एंग्री मोब गलत होता है, मोब सही होता है, पीरियड्स ऑफ टाइम गलत होता है, पीरियड सही होता है, कजिन सिस्टर का प्रयोग गलत होता है, कजिन का प्रयोग सही होता है, फ्यूनरल सर्विस का प्रयोग गलत होता है, फ्यूनरल का प्रयोग सही होता है। इसको मैं और अच्छे ढंग से समझा दूं, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, तो हम उसके पहले विग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। मोब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़, इसलिए एंग्री मोब लिखने का कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से गलत रहेगा। यहाँ पर यह सुपर फ्लॉस का काम कर रहा है। इसी तरह पीरियड ऑफ टाइम कुछ नहीं होता, बल्कि
पीरियड ही लिखा जाता है। कजिन्स का मतलब होता है चचेरी बहन, समथिंग कुछ भी, मतलब चचेरा कुछ भी आ जाएगा, चचेरा भाई चचेरा बहन। इसलिए कजिन सिस्टर न लिख के कजिन लिखें, वही सही होता है। फुनेरल का मतलब होता है दाह संस्कार, तो हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फुनेरल सर्विस लिखने की। ये जो सर्विस यहाँ पर आ रहा है ये सुपर फ्लॉस है। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका इस टॉपिक से कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, ताकि मैं आपका डाउट अगली क्लास में सॉल्व करा सकूं। चलिए हम फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।